अपने बच्चों का कितना कॉन्फिडेंस है, अपने बच्चों में क्या क्वालिटी है, अपने बच्चों में कितनी खासियत है, अपने बच्चों को आप जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है उस विद्यालय ने आपके बच्चों को कितना खरा सोना बनाया है, ये परखने का मौका है। आप परख सकते हैं। श्री कृष्णा स्कूल जिला महेंद्रगढ़ में स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, बहुत बड़ा, 6 मार्च को, याद रखना 6 मार्च, भूल मत जाना, यानी कि आपसे 2 दिन बाद 6 तारीख को 9 बजे तक आप पहुंच सकते हैं और रजिस्ट्रेशन शुरू है www.sks.edu.in। तो अभी साइट है स्कूल की, इस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की हमने कोई भी फीस नहीं रखी हुई है। मेरे दिमाग में अभी चल रहा था शायद रजिस्ट्रेशन फीस के लिए किया है, लेकिन अभी अपना फोन या अपना कंप्यूटर खोल के आप या लैपटॉप खोल के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसी साइट पे जाके साइट खुली है और आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा। हर अभिभावक को यह बना रहता है, सब स्कूल के उसी स्कूल के बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी छूट दे दी गई है, और श्री कृष्णा विद्यालय के बच्चे एग्जाम नहीं देंगे स्कॉलरशिप में। अब की बार हमने फैसला ये किया है कि हम कोई भी फीस बढ़ाएंगे नहीं, फीस में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, कोई वृद्धि नहीं करेंगे, एक पैसा ही नहीं बढ़ाएंगे, कोई ड्रेस, कोई फीस नहीं, कोई एक पैसा ही नहीं। ये एक बड़ी घोषणा है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, एक ऐसा श्री कृष्णा स्कूल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं है। अभिभावकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब धड़ल्ले से छाती ठोक के और ताल ठोकते ठोकते अपने बच्चों को यहाँ लेके आ सकते हैं। हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब तक के बच्चे हमारे पास आते हैं, नोएडा, गाजियाबाद से भी बच्चे हमारे पास हैं। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, सब जिलों के, राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस विद्यालय में। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज जिला महेंद्रगढ़ राज्य हरियाणा और जिला महेंद्रगढ़ में श्री कृष्णा विद्यालय श्री कृष्णा स्कूल के अंदर। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था सीमा में श्री कृष्णा स्कूल की ब्रांच थी, वहाँ स्कॉलरशिप बच्चों का टेस्ट था, वो हो चुका है। अब यहाँ इसी विद्यालय में 6 मार्च को, यानी कि आज है 3 मार्च, 4, 5, 6 मार्च को आप 9 बजे तक, आप 9:30 बजे तक श्री कृष्णा विद्यालय जिला महेंद्रगढ़ में आने के लिए अच्छी खासी सुविधा है। दादरी से सीधा यहाँ आ सकते हैं आप, रिवाड़ी से भी आ सकते हैं आप, नानोल की तरफ से आ सकते हैं आप, और लोहारू, सिंगानी, डिगावा, भैल, हिसार की साइड से भी आ सकते हैं आप। हर जगह आने के लिए यहाँ ट्रेन की भी सुविधा है बच्चों की, और अपने वाहन से भी आ सकते हैं आप यहाँ पर। याद रखना 6 मार्च, भूल मत जाना, श्री कृष्णा स्कूल जिला महेंद्रगढ़ में स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, बहुत बड़ा, तो आप उसमें अपने बच्चों का, मैं फिर कहूँगा, अपने बच्चों का टेस्ट है, अपने बच्चों का कितना कॉन्फिडेंस है, अपने बच्चों में क्या क्वालिटी है, अपने बच्चों में कितनी खासियत है, अपने बच्चों को आप जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है उस विद्यालय ने आपके बच्चों को कितना खरा सोना बनाया है, ये परखने का मौका है। आप परख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मेरे साथ श्री कृष्णा स्कूल के विद्यालय के यहाँ पे राव करमवीर भी बने, उनसे जानते हैं। इससे पहले एक और शुभ सूचना है, यहाँ पे अभी जो सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई किया आप बच्चों ने, ना? यस सर। यहाँ जो सैनिक स्कूल के जो बच्चे थे किसी भी विद्यालय में 2, 6, 5, 7, 8, लेकिन 21 बच्चे एक साथ, सर 21 बच्चे एक साथ, कर्मी जी आ जाइए, आपसे भी जानना चाहेंगे साथ साथ हम, 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया जी। टेस्ट कब का सर? कौन सा? अभी जो हो आगे होगा आपका टेस्ट है सर, मिलिट्री स्कूल का 3 अप्रैल को होगा। 3 अप्रैल को जी। कर्मी जी, कुछ दिन पहले हम आपके विद्यालय में वहाँ मौजूद थे जी, जी। तो अच्छा खासा, पहले तो नमस्कार है आप सभी के दर्शकों को ना जी। राम साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपका इतना बड़ा विद्यालय है जी, 2 शाखा हैं, कॉलेज भी बन रहा है आपका बहुत बड़ा, जल्दी कॉलेज शुरू हो जाएगा एक, आप ये पूरे हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की भी सोच रहे हैं, तो शुभकामनाएं देते हैं आपकी, जल्दी वो भी तैयार हो। इसके साथ साथ सबसे पहले टेस्ट तो 6 मार्च का है ही है जी, दोबारा से कभी लोग ये सोच रहे होंगे कि वो सीमा वाला टेस्ट होगा, लेकिन सीमा का हो चुका है। अब लोगों को ये बता दिए 6 मार्च को कितने बजे यहाँ पहुँचे? 6 मार्च को 10 बजे जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो जाएगा, और वो सेम ही नाम हमने रखी हुई है, 31,000, 21,000 और 11,000। 31,000, 21,000, 11,000 पर क्लास के लिए? हाँ जी, पर क्लास के लिए, थर्ड से और ट्वेल्थ तक जी।
पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक, ये बताने में पिछली बार भूल गया था, 31, 21 और 11,000 हर कक्षा के लिए ये अलग अलग इनाम है। यानी कि टोटल मिला के अगर 12 कक्षा से देखें तो यानी कि कितनी मोटी इनकम हो जाती है, ये लगभग 7-8 लाख के आसपास, 8 लाख रुपए हर बच्चे हर क्लास के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, मैं फिर कहूँगा आपके बच्चों को जिस विद्यालय में जहाँ भी किसी ज़िले में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो कितने उन विद्यालय ने आपके बच्चे को खरा सोना बनाया है, उसको परखने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है आप? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन शुरू है। हमारी वेबसाइट है www.sks.edu.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के हम किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं कर पाएंगे। तो पिछली बार बिग रजिस्ट्रेशन के आए थे, हमने सुनने में आया था यहाँ आपकी ग्रिल वगैरह टूट गई थी, इतने बच्चे इतने अभिभावक इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि व्यवस्था बनाने में बड़ा मुश्किल, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, तो बस उसी के लिए जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा उसी बच्चे को हम अलाउ कर पाएंगे, ताकि हम भी अपनी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से बना सके। बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे जब भी हम स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं तो देने के लिए आते हैं, और ये अभिभावकों का और बच्चों का स्कूल के प्रति प्यार ही है। जो स्कूल का नेम एंड फेम है उसको देख के, टीचर्स को देख के, क्वालिटी को देख के, तो बच्चों का विशेष लगाव इस विद्यालय से रहा है, और हर साल हम एडमिशन क्लोज करते हैं। राव साहब, एक बात और बता दीजिए, मैं सीमा स्कूल में, आपने नई ब्रांच है यहाँ, बहुत पुराना स्कूल आपका, लगभग 5-6 हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल की अच्छी सुविधा दे रहे हैं, हॉस्टल भी एक दिन देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ महानगरों में जो हॉस्टल है उससे बेस्ट सुविधा दे रहे हो, वो भी एक दिन चेक जरूर करेंगे। उससे पहले मुझे ये बताइए, पूरा हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी, हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब तक के बच्चे हमारे पास आते हैं, नोएडा, गाजियाबाद से भी बच्चे हमारे पास हैं। ओके जी, तो आप सुन लीजिए, पूरे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, सब जिलों के, राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस विद्यालय में, और 5-6 हज़ार बच्चे हैं। 6 मार्च को याद रखना, 6 मार्च भूल मत जाना, यानी कि अब से 2 दिन बाद 6 तारीख को 9 बजे तक आप पहुँच सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। रजिस्ट्रेशन में फिर दोबारा से बता देता हूँ सर, www क्या बताया था? www.sks.edu.in तो अभी साइट है स्कूल की, इस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की हमने कोई भी फीस नहीं रखी हुई है। जी, रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं है, मेरे दिमाग में अभी चल रहा था शायद रजिस्ट्रेशन फीस के लिए किया है, लेकिन अभी अपना फ़ोन या अपना कंप्यूटर खोल के आप, या लैपटॉप खोल के तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, इसी साइट पे जाके, साइट खुली है और आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा। जिस राज्य से, जिस जिले से आना चाहते हैं, फटाफट अपने बच्चों को लेके 6 तारीख को आप पहुंच सकते हैं। उससे पहले आना चाहें तो महेंद्रगढ़ में रुकने के लिए काफ़ी बड़े दूर दराज से आते हैं, तो यहाँ रुकने की, या किसी रिश्तेदार के पास भी रुक सकते हैं। राव साहब, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? इन बच्चों को सोने पे सुहागा है। इन बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इनके पेरेंट्स को भी, और ख़ासकर जो इनके अध्यापक हैं जो इनको पढ़ाते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्योंकि ये बच्चे आप देख रहे हैं कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर कहीं अकेडमी में कोचिंग कर रहे होते हैं और स्कूल वाले उनका नाम दिखा देते हैं, आप अचानक से आए हैं, तो हमने तो क्लास में से बुलाया इन बच्चों को, और ये चीज़ें आप इन बच्चों से पूछ भी सकते हैं, और मैं तो ये चाहूँगा कि अगर इन बच्चों से आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पूरे ज़िले में 21 बच्चे क्या आपके स्कूल के हैं, या इस आपसे ज़्यादा और भी है? औरों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि सब अपनी ब्रांचेज वगैरह के सब मिला के देते हैं, लेकिन हमारे 26 बच्चे अपीयर हुए थे टेस्ट में। Okay. 26 में से 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। सलूट करते हैं सर आपके, जी थैंक यू, और आपकी मेहनत को। तो सर, और कुछ कहना चाहेंगे तो चलते चलते थोड़ा विद्यालय का नज़ारा दिखा दीजिए। अच्छा, कितने मंजिल ही मेरा यहाँ पे जो अभी कैमरे में देख रहे हैं? ये 3-4 मंजिल है, 3 मंजिल भी है, 4 मंजिल भी है। तो फुली एसी आपका? ये नहीं, स्कूल एसी नहीं है, हॉस्टल पूरा एसी है। हॉस्टल एसी है, तो आप 6 तारीख को अपने मुंह से बताइए, 6 तारीख को आप, जी 6 तारीख को कितने बजे तक यहाँ लोग पूछे? 6 तारीख को आप 10 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं अपने बच्चे के साथ, और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर, ताकि उनको भी असुविधा ना हो और हमें भी सिस्टम को अच्छा मैनेज करने में दिक्कत ना आए। और अभिभावकों के लिए मैं एक बात स्पेशल बताना चाहता हूँ, ये तो स्कॉलरशिप टेस्ट की बात थी, अब की बार जिस तरीके से हमने पिछली बार 50% फीस माफ़ की थी और कोई एडमिशन चार्ज नहीं लिया था, अब की बार कोई धमाका मत करना,
स्कूल वाले फिर मेरे पीछे भी पड़ जाते, आपको कुछ कहते नहीं है। अगर राव साहब करमवीर जी तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हमें तो बहुत मोटा कर्जा है हमारे, 400-400 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 50 करोड़ रुपया, सभी स्कूल वालों ने कोई 300 करोड़, किसी ने 20 करोड़ भी ले रखे हैं लोकल स्कूल, किसी ने 10 करोड़, तो वो कहीं ना कहीं वो मारे जाएंगे। कोई ऐसी गलत घोषणा मत कर देना। नहीं, गलत घोषणा नहीं है, मैं हमेशा अभिभावकों के हित को हमेशा ध्यान में रखते हुए फैसले लेता हूँ और लेने भी चाहिए। ये 2-3 साल से ऐसा टाइम चल रहा है कि सभी को दिक्कत परेशानी है, तो अब की बार हमने फैसला ये किया है कि हम कोई भी फीस बढ़ाएंगे नहीं, फीस में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, कोई वृद्धि नहीं करेंगे, एक पैसा ही नहीं बढ़ाएंगे, कोई ड्रेस, कोई फीस नहीं, कोई एक पैसा ही नहीं। ये एक बड़ी घोषणा है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, एक ऐसा श्री कृष्णा स्कूल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं है, अभिभावकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब धड़ल्ले से छाती ठोक के और ताल ठोकते ठोकते अपने बच्चों को यहाँ लेके आ सकते हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं, ना किसी फीस में, ना किसी किताब में, ना किसी ड्रेस में, ना किसी बेल्ट में, और ना किसी फीस। आप ये बहुत अच्छी घोषणा है, बाकी स्कूल वाले तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि श्री कृष्णा स्कूल के संचालक करमवीर राव ये उल्टी सीधी बता रही, कहाँ से क्या सोच के आ जाते, शायद इनको पैसे से लाल पैसा नहीं कमाना है। नहीं, उल्टी सीधी नहीं है ये तो, उनके लिए तो है, उन अभिभावकों को ही पता है कि ये उल्टी है या सीधी है। नहीं, अभिभावकों की बल्ले बल्ले, मौज मौज है जी, अभिभावकों की मौज है, अभिभावकों के पक्ष में निर्णय लेंगे सर हम। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे से मोह नहीं है आपको। नहीं देखो, पीछे आपने बड़ी घोषणा की थी, बात हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अपना काम करता है, कोई भी अपना बिजनेस करता है तो देखो पैसे कमाने के लिए तो करता ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा सा मतलब आदमी को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। कमाना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कम कमा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभिभावक 1999 से हमारे से जुड़े हुए हैं, आज 2022 है, फिर भी वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्कूल को हमेशा दिया है और हम भी चाहते हैं कि ऐसे जो हार्ड टाइम में हम भी उनके लिए कुछ करें। जी थोड़ा सा एक बार दोबारा बता दीजिए, मतलब अच्छी जोश के साथ श्री कृष्णा स्कूल अब की बार कोई फीस नहीं बढ़ा रहा है, ना किसी किताब, ना कॉपी पेन, ना किसी ड्रेस में, ना फीस में। जी जी, ये बताइए आप, एक पैसा भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। जो मैं आपको फीस का चार्ट दे दूंगा, जो 2021 में फीस थी वही फीस 2022 में रहेगी हर क्लास के लिए, एक पैसा भी हम नहीं बढ़ाएंगे। जी जी राव साहब, तय दिल से सलूट, थैंक यू, आपका धन्यवाद। कुछ बच्चों से मैं जान लेता हूँ, क्या क्या हो तो। जी 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 जी, तो बेटा आपकी चांदी हो गई, आपकी बार फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं है, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा लग रहा है? यस सर। तो सभी बच्चों के लिए अच्छा है? यस सर। अच्छा कहाँ से आते हैं? हम सर खेड़की से। खेड़की से, अच्छा माँ बाप क्या करते? पिता? सर पापा बिजनेस मैन है। ओके, तो अभी कौन सी कक्षा में? सर सिक्स्थ। सिक्स्थ में, तो कितने नंबर आए आपके? अभी आपने एग्जाम दिया है मिलिट्री स्कूल के लिए? सर सैनिक का दिया है, 170 नंबर आए हैं। बहुत अच्छे नंबर है। आप कहाँ से आते हो? सर मैं गडानिया से आता हूँ। कितने नंबर? सर 145। अच्छा अभी मिलिट्री का जो एग्जाम दिया उसको? सैनिक का। सैनिक का, हाँ। आप कहाँ से आते हो? सर खुराना। ओके, अच्छा कहाँ से आते हो? सर मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से, अच्छा अभी कितने नंबर आए आपके, कौन सी कक्षा में? सर मैं सिक्स। कितने नंबर? सर 252। तो आपकी बार तो 252 नंबर हैं। अच्छा अभी आगे जो टेस्ट होगा उसमें क्लियर हो जाओगे? यस सर। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, कौन भरता है? करमवीर राव भरते हैं या कहाँ से? सर सर पढ़ाते हैं तब वो सीखते हैं, फिर घर जाके सोल्व करते हैं, फिर वो अगर नहीं आता तो दोबारा से पूछते हैं, तो सर बता देते हैं, इसलिए उससे उत्सुकता जागती है कि और पढ़े। अच्छा घर जाके भी आप फोन पे पूछ सकते हो, फोन उठा देते हो? यस सर। ये ऐसे स्कूल वाले पागल आपको पहली बार मिले हो, नहीं तो फोन ही नहीं उठाते आधे स्कूल वाले तो कभी। नहीं सर हमारे सर तो उठा लेते हैं। उठा लेते हैं, ये ऊर्जा वहाँ से आ रही है आपकी? यस सर जी। हाँ बेटा कहाँ से आए? सर जावा से। अच्छा कौन सी, अभी सिक्स में? यस सर। अच्छा कितने नंबर आए? सर 241। तो क्या कहोगे, अच्छे नंबर है? यस सर। आगे क्या बनेंगे? सर आगे आगे वे लगूंगा आर्मी में। बेटा आगे आ जाइए, आयुष। ओके, क्या ओबीसी में? 8th पोजीशन है सर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 8th पोजीशन है? यस सर। ये सैनिक स्कूल में देख लीजिए, ओबीसी में पूरे हरियाणा राज्य में, पूरे हरियाणा प्रदेश में 8th पोजीशन है इस बेटे की। तो आपके स्कूल को, आपके राव श्री कृष्ण स्कूल के संचालक को और आपके माता पिता को दिल से सलूट। ओबीसी में आगे क्या बनना चाहते हो सर?
आई वॉन्ट टू बिकम ए लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, क्या बात है, बड़े अच्छे सपने बेटा आपके। प्यारी सी बेटी खड़ी, बेटी कहाँ से आए? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से, अच्छा कितने नंबर आए? 180। अच्छा कौन सी कक्षा में? फिफ्थ। फिफ्थ में हैं, तो आगे क्या इरादा है? सर आईएएस बनने का। आईएएस बनने का, आपका क्या इरादा बेटा? आईपीएस बनने का। अच्छा नंबर कितने? 213। सैनिक स्कूल के देख लीजिए ये सारे बच्चे हैं। अच्छा अब की बार मैं आपसे जानता हूँ भाई, आपका अभी आपके जो संचालक है स्कूल के करमवीर जी, उन्होंने कहा है कि फीस नहीं बढ़ाएंगे, जो कि तू फीस रखेंगे, कैसा लगता है इस बात को लेकर? अच्छा लगता है। बल्ले बल्ले आप लोगों की। यस सर। कैसा लगता है? क्या सर कहें? बहुत अच्छा। तो ये घोषणा की है, सही की है? यस सर। तो माँ बाप को, आपके माता पिता को रिलीफ मिलेगा इससे? यस सर। अच्छा कहाँ से आप? खुडाना से। अच्छा तो कितने नंबर आए आपके, कौन से कक्षा? मेरे, मैं सेवन्थ क्लास में हूँ और 141 नंबर। आगे क्या इरा? आगे मिलिट्री में पेपर देंगे। और अच्छा गाना कौन सा सुनाए? कौन सा सुनाएगा, एक प्यारा सा? चलो बेटा आप सुनेंगे। चलो आईएएस बनने का है। चलो मुझे एक अबे अच्छा चलो चलते चलते मुझे यह बता दीजिए, आप 21-22 बच्चे आए हैं श्री कृष्णा स्कूल के, तो जोर से ईस्ट और वेस्ट श्री कृष्णा स्कूल दी बेस्ट आप नारा लगा के बताइए, कैसे लगाते हो आप? बोलिए अकेले, ये बोलिए सारे साथ, ईस्ट और वेस्ट श्री कृष्णा स्कूल इज द बेस्ट। सारे बच्चे बोले ईस्ट और वेस्ट श्री कृष्णा स्कूल इज द बेस्ट। ये बच्चों में ऐसा नहीं है, ये पिलरे बच्चे हैं, ये यहाँ फिजिकल की तैयारी करवा जाती है, यानी कि आजकल कहते हैं ना महानगरों के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बच्चे ग्राउंड से भी तैयार हैं, अगर सर्विस नहीं मिली ना तो भी अब बहुत कुछ करके अपने। जी सर, ओके जी बेटा। अच्छा इस गुड़िया के, हाँ बेटा बताया नहीं आपने अभी, बताइए। यस सर। थर्ड, तीसरी पोजीशन आपकी? यस सर। लड़कियों में पूरे जिले से? रेवाड़ी सैनिक स्कूल। अच्छा रेवाड़ी सैनिक स्कूल से, बेटा नाम क्या बताया? धारा। कहाँ से आती है? महेंद्रगढ़ से। ओके अच्छा माँ पिता क्या करते हैं? मेरे पापा बीएसएफ में हैं। बीएसएफ में हैं, तो सैनिक स्कूल में आपकी तीसरी पोजीशन है पूरे में रिवाड़ी में सर। तो ये देख लीजिए, ये श्री कृष्णा स्कूल है, श्री कृष्ण भगवान जी के नाम पे तो है ही, लेकिन प्यारे प्यारे हमारी बेटी देख लीजिए, पूरे सैनिक स्कूल में रिवाड़ी में तीसरी पोजीशन है इस बच्चे की श्री कृष्णा स्कूल की। और ये श्री कृष्णा स्कूल वाले ये पता नहीं घोल के क्या पिलाते हैं, क्या जादू की जप्पी देते हैं, ये तो राव साहब जाने इनके शिक्षक ये क्या बच्चों को पता नहीं क्या देते हैं, हमें तो पता है नहीं, लेकिन जहाँ भी पोजीशन की बात होती है ये हर पोजीशन में कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाई देते हैं। सर सर आ जाइए, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बस सर इनकी मेहनत है। अच्छा बच्चे खुश हैं, और बच्चे खुश तो होने ही थे, आज फीस की भी इतनी बड़ी घोषणा कर दी अभी कर्मवीर ने, आपके चेयरमैन ने, संचालक ने, कि भाई फीस नहीं बढ़ाएंगे आपके बार, जैसे तैसे रहेगी यूँ की यूँ, तो बच्चे तो खुश हैं, आपके चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों? मैं तो किस बच्चे सैनिक स्कूल के लिए? मैं तो बहुत खुश हूँ सर, मायूसी इसलिए है कि 26 में से 5 रह गए। अच्छा उसके लिए मायूसी? हाँ यही मायूसी है बस। 26 में 5 से कोई बड़ी बात नहीं है सर, मेहनत तो उन्होंने भी की थी, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा बस वही है, बाकी इनके लिए तो बहुत खुश हैं। तो थोड़ी सी चूक, बच्चे सर अच्छे नंबरों से हैं, ये नहीं है कि भाई सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, 200 अबव है लगभग इनमें से 13 से 14 बच्चे। और अभी ओबीसी में पूरे हरियाणा में पहला ये 8th है, सुनो रिवाड़ी में बच्चियों में सबसे तीसरे। हाँ वो ये 8th पे है, मैंने आज सुबह यही काम किया है, ये 20 पे है और ये 22 पे है, ये 37 पे है, तो टॉप में हमारे बच्चे हैं। ओके हाँ, तो लगभग जो रेवाड़ी सैनिक स्कूल है उसमें 1300 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, तो उनमें लगभग हमारे बच्चे हैं वो 50 के अंदर कम से कम 10 बच्चे मिलेंगे सर। ओके जी हाँ। अच्छी बात है, क्यों बेटा? अच्छा बेटा मुझे ये बताइए, आपसे नहीं पूछा, आपने गाना सुना काचा बादाम? नो सर। अच्छा तो बोल के दिखाइए कैसे गाते वो गाना थोड़ा सा। सर मैंने सुना है। खुशी का मौका है थोड़ा सा। सर सुना सब पता है आप लोगों को, क्योंकि आप मोबाइल सब यूज करते हैं। अच्छा बेटा गा के सुनाइए थोड़ा सा, कैसे बोलते हो? क्या कच्चा बता के बोल के दिखाइए वो गाना। सर नहीं आता। नहीं बेटा बता दीजिए। नहीं आता। अच्छा अच्छा सर आता है। तो आता तो सब गोयले के लिए सुनाते नहीं, आपके सर ही यहाँ पे खड़े। तो मेरे साथ श्री कृष्णा स्कूल में फिर कभी
सत्य की पाठशाला लगाएंगे हम, तो उस समय बच्चों के साथ गीत भी सुनेंगे, गाने भी सुनेंगे, चुटकुले भी सुनेंगे। अभी दोबारा फिर कभी आएंगे तो श्री कृष्णा स्कूल के लिए मैं फिर सल्यूट करता हूँ कि ये स्कूल वो स्कूल है, पता नहीं हर पोजीशन में कुछ ना कुछ अपना जलवा दिखाई देता है। और इधर हमारे साथ राव साहब खड़े हैं, करमवीर जी, ये तो हंस ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर, सर बच्चों ने तो नहीं बताया आपसे, सर मारे आप बता दिए, थोड़ा काचा बादाम काचा बादाम, वो क्या बोलते हैं? नहीं वो तो समझ में नहीं आता एक्चुअली, वो तो गाना ना वो समझ नहीं आता। ओके ओके सर, सल्यूट करता हूँ जी। अच्छा, हर पोजीशन जी कुछ ना कुछ अपना जलवा बिखेरी देते हो आप? नहीं देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी काम करो आप पूरा डेडिकेशन और मेहनत के साथ करो तो सफलता जरूर मिलती है, और हमारे सारे टीचर्स और बच्चे इसी चीज़ में लगे हुए हैं। स्कूल वाले नाराज हो चुके हैं सभी आपसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं पीछे भी नाराज हो गया था, आपने 50% घोषणा कर दी थी मैं फिर से नहीं लेंगे, उस समय भी कई प्रतिक्रिया आपको सुनने को मिली थी, आपको पता है। अब आपने कह दी मैं फीस नहीं बढ़ाऊंगा, तो पूरा हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले आपने आगाज किया है ये कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे। कोरोना काल बहुत मुश्किल से गुजरे हैं 2 साल, उसको देखते हुए आपने फैसला लिया कि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे, मेरी जू की त्यू रहेगी हर चीज़, तो इससे काफ़ी घाटा होने वाला और स्कूल वालों। नहीं सबका अपना, मैंने पिछली बार बताया था कि इंडिविजुअल सिस्टम है, सब अपने तरीके से चलाते हैं, कोई बढ़ाएगा कोई नहीं बढ़ाएगा, हमने पेरेंट्स के बारे में सोच के फैसला कर लिया है कि नहीं बढ़ाएंगे। चलो थैंक यू। तो 6 तारीख को चलते चलते फिर बता देता हूँ, 6 मार्च को सुबह 9 बजे आप यहाँ पहुँच जाना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो साइट बता चुके हैं यहाँ के जो संचालक है करमवीर राव, उस साइट पे अभी अपना सिस्टम खोल के बैठ के अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। 12 क्लास और 12 क्लास में हर क्लास के 3 बच्चों को इनाम दी जाएगी, 31, 21 और 11 हजार, यानी कि 7-8-9 लाख रुपए के सम तक इनाम है। और सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अभी पीछे आपकी जो संस्था थी सीमा में वहाँ पे फेर हुआ, बच्चे आए कितने आए? वहाँ 37.5 के आसपास बच्चे आए थे, सारे स्कूल लगे हुए थे संडे को, तो भी इतने बच्चे कहाँ से लिया? वो तो सब बच्चों का खुद का जोश और उत्साह था आने के लिए वहाँ पे। सर, चलो बहुत अच्छे बच्चे आए आपके, लेकिन आपने फेर वहाँ कोई ऐसा नहीं है भाई आपने अपने स्कूल वालों को दे दिए इनाम? नहीं नहीं नहीं, हमारे स्कूल के बच्चों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। ओके, तो अब की बार भी नहीं देंगे? यहाँ भी नहीं देंगे, हम अपने बच्चों के लिए जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से रखेंगे। क्या बात है, ये भी एक चलते चलते सर बहुत अच्छी बात है, तो माइंड में आई है आपके लिए एक संख्या और ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि हर अभिभावक को यह बना रहता है सब स्कूल के उसी स्कूल के बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी छूट दे दी गई है एक और, श्री कृष्णा विद्यालय के बच्चे एग्जाम नहीं देंगे 3rd से 12th तक। हाँ जी, 3rd से 12th, टेस्ट ही 3rd से 12th तक के लेवल का है। ओके, यानी कि 3rd कक्षा से और 12th कक्षा तक के बच्चे कोई भी विद्यालय का नहीं बैठेगा एग्जाम में स्कॉलरशिप में, तो आपके लिए बिल्कुल खुली छूट है, आप अपने बच्चे को भेजिए। और आपके विद्यालय में अभिभावक ने, आप सोच रहे होंगे उन स्कूलों ने पढ़ाया क्या है, ये परखने के लिए आप अपने बच्चों को एक बार जरूर मौका दीजिए। ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस है और ना यहाँ श्री कृष्णा स्कूल के विद्यालय के बच्चे पेपर देंगे, सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे पेपर देंगे, तो एक बार थोड़ा सा अपने बच्चे को परखने के लिए 6 तारीख को भूल मत जाना, अपने बच्चों के लेके जरूर पूछे। जहाँ भी किसी राज्य से किसी ज़िले से आप आ सकते हैं छाती ठोक के, और यहाँ पे आप एक बार अपने बच्चे का भाग्य जरूर आजमाइए। याद रखना अभी साइट खोल के रजिस्ट्रेशन होगा तो ही, रजिस्ट्रेशन के बगैर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दिया जाने जाएगा, क्योंकि पिछली बार रेलिंग वगैरह टूट गई थी, बगैर रजिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा यहाँ अभिभावक और बच्चे आ गए थे, इस वजह से काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी यहाँ पे संचालक को और यहाँ के स्टाफ को। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं तो आपका बच्चे का यहाँ एग्ज़ाम नहीं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ।